नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। हार्वर्ड वेधशाला ने आज के दिन लिया था तारे का पहला फोटोग्राफ। नक्षत्रों का फोटोग्राफ लेने की दिशा में हार्वर्ड वेधशाला अग्रणी बनी थी। अभिजीत नक्षत्र यानी वेगा का एक चित्र पहली बार 17 जुलाई 1850 को लिया गया था। हालांकि उत्कृष्ट साधनों के अभाव से ये फोटो संतोषजनक नहीं था। इसके बाद मार्च 1858 में कियो वेधालय में सूर्य के कई चित्र लिए गए थे। फूको और फीजो ने 1851 और 1854 में, जबकि सीराक्विज के ए बंधुओं ने 22 दिसंबर 1870 को सूर्य ग्रहण और कोरोना आदि के सफल फोटो लिए थे। 23 मार्च 1840 को न्यूयॉर्क के जॉन विलियम ड्रेपर ने 20 मिनट का उद्यासन देकर चंद्रमा का फोटो लिया था, जो कि किसी खगोलीय पिंड का पहला फोटो था। आज के दिन तूफान का शिकार हुआ था जहाज रामदास, 625 लोगों की गई थी जान। 17 जुलाई सन 1947 को भारतीय यात्री जहाज SS रामदास को मुंबई में तूफान ने तबाह कर दिया था, जिसमें 625 लोग मारे गए थे। हादसे के समय जहाज में 48 खलासी, 4 अधिकारी, 18 होटल स्टाफ और 673 वैध यात्री थे। हालांकि कहा जाता है कि जहाज पर 35 लोग बिना टिकट के मौजूद थे। इस तरह जहाज में 778 लोग सवार थे। इस हादसे से लगभग 20 साल पहले इसी रास्ते पर दो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। जहाज रामदास स्वान और हंटर कंपनी ने बनाया था। ये वही कंपनी थी जिसने क्वीन एलिजाबेथ का जहाज बनाया था। इसे वर्ष 1936 में बनाया गया था। आज के दिन महिलाओं को मिला था प्रशासनिक पुलिस सेवा में भर्ती का अधिकार। देश के इतिहास में 17 जुलाई का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन 1948 में महिलाओं को प्रशासनिक और पुलिस सेवा सहित तमाम सार्वजनिक सेवाओं के लिए परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मिली थी। इससे पहले इन सेवाओं में सिर्फ पुरुषों का अधिकार था। आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला IAS अधिकारी रही अन्ना रजम महलोत्रा सचिवालय में पद प्राप्त करने वाली भी पहली महिला थी। वह 1951 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुई थी और मद्रास कैडर का चयन किया। 1989 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के दिन हुआ था परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह शेखो का जन्म। फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह शेखो ने 1971 के युद्ध में श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला करने आए पाकिस्तान के 2 विमान मार गिराए थे, जबकि बाकी 4 विमानों को भागना पड़ा था। इसी बीच कंट्रोल सिस्टम की नाकामी में उनका विमान गिर गया था और वो शहीद हो गए। निर्मलजीत सिंह शेखो का जन्म 17 जुलाई 1945 को लुधियाना के इस्सेवाल गांव में हुआ था। 4 जून सन 1967 को उन्हें वायुसेना के फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन किया गया था। वह भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें राष्ट्र का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 17 जुलाई दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला काला तथा निषेध रंग पीला सिंदूरी।
मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें, ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आप आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 69%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला, सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधी कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस, घर सभी जगह आपके लिए सुख कारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद, काला तथा निषेध रंग पीला, गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। गर्मी, लू आदि से बचाव रखें और खान पान का ध्यान रखें। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचें। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती, स्लेटी तथा निषेध रंग काही हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 69%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं, अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी। कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती, सलेटी तथा निषेध रंग हरा, जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को।
0121266888 या 0983706006 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।